विधानसभा चुनाव ही बिगुल बज चुका है, ऐसे में बात करें बाबरपुर विधानसभा से, और वो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दम भर दिया है। हमारे बीच में युवा नेता राजीव कौशिक जी हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे, चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, 8 तारीख की मतगणना होनी है, क्या कहेंगे, वोटिंग होनी है और 11 की मतगणना? कहने वाली बात ही नहीं है, लोग झूठ से परेशान आ चुके हैं और अब सच की बारी आई है जी। सच निकल के आएगा, कांग्रेस आएगी और दोबारा कांग्रेस आ रही है। कुल मिला के दूध का दूध और पानी का पानी होना है। बिल्कुल, जो झूठे वादे हैं जी, आप भी देखेंगे कि जो इन्होंने कहीं के स्कूल कहीं की फ़ोटो लगा रखी है, आप वास्तविकता स्थिति देखेंगे तो स्कूलों की बहुत बदतर हो रखी है जी, और इन झूठों से पब्लिक परेशान है और उसका जवाब देगी 8 तारीख को, आपको 11 तारीख को उसका निर्णय भी दिखाई देगा। आज देखने में आता है कि इन्होंने जो विज्ञापनों पे स्कूल्स दिखाए, कहीं का स्कूल था क्या बाबरपुर विधानसभा में, कोई किसी स्कूल में स्विमिंग पूल है? मैं आपको खुद ही कहता हूँ कि आप खुद जाके एक बार बाबरपुर विधानसभा के किसी भी स्कूल में, पहली बात तो स्विमिंग पूल है ही नहीं, है ही नहीं। दूसरी बात, बाबरपुर विधानसभा जो कि गोपाल राय जी मंत्री हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, एक तरीके से आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा उनका ओहदा है, आप उनके विधानसभा में किसी भी स्कूल को देखोगे ना, उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि आप खुद सोचोगे कि हम यहाँ बच्चे यहाँ बैठते कैसे होंगे, पढ़ते कैसे होंगे जी। केवल और केवल झूठे वादे, बिल्कुल झूठे, जो मतलब वो वाले कहावत है, शेर का भाई बघीरा, वो कूदे नौ कूदे तेरा, मतलब जैसे मोदी जी झूठ बोलते थे उससे ज्यादा बढ़िया तरीके से केजरीवाल जी बोलते हैं। चलते चलते बाबरपुर बस टर्मिनल पर इन्होंने परसों वाईफाई का भी उद्घाटन कर दिया। अब उस आप जाके देखें कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है जी। आप वाईफाई की जगह आप जो यहाँ का युवा है उसको काम दें जी, ताकि वो उसको एक भुगतान करके पैसे देने की स्थिति में आए, कमाएगा तो उसको भुगतान भी करेगा। आप फ्री वाईफाई देके 400 या 200 हज़ार युवाओं को क्या बेरोजगार बना के उन्हें निकम्मा बनाने की सोच रहे हो क्या जी? आप काम वाला बनाओ ना, कुल मिला के सामर्थ्यवान बनाओ। बिल्कुल सामर्थ्यवान बनाओ, देश तो जब ही आगे बढ़ेगा जब रोजगार मिलेगा, जब युवा आगे बढ़ेगा। या युवा के हाथ में सिर्फ वाईफाई दे दिया फ्री का, उसे निकम्मा बनाना है क्या? बिजली फ्री पानी फ्री का जादू कुछ नहीं है। हम तो ये कहते हैं आप फ्री से ज्यादा फ्री किस चीज पर दे रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल का टोटल कांग्रेस का दिया हुआ है, शीला दीक्षित का दिया हुआ है। आपने ये बताओ कौन सा नया खंबा लगा दिया, कौन सा नया स्कूल खोल दिया, कौन सा नया कॉलेज खोल दिया? सिर्फ बातें, एक केवल बातें, मोदी जी उतनी ज्यादा बातें करते हैं तो उससे ज्यादा बातें ये कर लेते हैं। कुछ नया आपने इसके अलावा कहीं कोई ईंट लगाई हो कांग्रेस के समय के बाद, कोई नया काम किया हो वो बताएं ना, उसकी फोटो दिखाओ। हमारे स्कूल जो बनाए हुए हैं कांग्रेस के टाइम के, उनकी अगर आप किसी एक दो स्कूल पे अगर पेंट कर दे तो उसको दिखा रहे हो, उससे कोई फायदा? बाबरपुर विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत इन लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक की आप स्थिति देख रखे, शमशान घाट के पास मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें कुत्ते बैठते हैं या रात को स्मैके बैठते हैं जी, या फिर कबाड़ वहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई नया हॉस्पिटल बनाई नहीं है अभी तक, बनाई कोई तो बनाए हैं। ये कहते हैं कि जगह नहीं है, जगह नहीं है। अब से पहले बहुत सारी जो जमीन है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है जी, इनके पास ऐसी बात नहीं कि जमीन नहीं है, करने की इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ झूठ बोल, इन्हें पता है कि कर दिया तो फिर क्या फायदा। बाबरपुर विधानसभा में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अब परशुराम द्वार का भी उद्घाटन कर दिया है। परशुराम द्वार का उद्घाटन इन्हें अभी याद आया क्या, पिछले 5 साल से याद नहीं था भगवान परशुराम के बारे में जी, और जो परशुराम द्वार बनाने की बात है तो उसके बारे में ब्राह्मण सोचेगा उसे किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना, ब्राह्मण तो नेतृत्व देता है उसके बारे में। कांग्रेस ने क्या मापदंड पैमाना तैयार करा है चुनाव में उतरने का? कांग्रेस ने सबसे पहली बात तो कि क्षेत्रीय उम्मीदवार चलेगा जी, जैसे गोपाल राय जी बाहर से आए वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। जनता को चाहिए कि क्षेत्रीय उम्मीदवार, अब तो 5 साल रह लिए वो तो अपने हो गए, अपने तो उनका घर कहाँ है आप बताएंगे? आपको पता है उनका घर है यहाँ कहीं, उनका परिवार रहता है यहाँ कहीं? उनके भाई तो रहते हैं, अब एक भाई किराए का मकान लेके अगर रहने लगे वहाँ से एक ऑफिस चलाने लगे वो मजबूरी है, क्योंकि यहाँ से विधायक हो चुके हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको एक अपना कार्यालय चलाना पड़ेगा ना जी, घर घर थोड़ी है उनका यहाँ। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी भी अब स्थानीय की बिल्कुल कांग्रेस पार्टी क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी यही डिमांड है कि स्थानीय को टिकट मिले, और बिल्कुल अभी हमारे सुभाष चोपड़ा जी ने ये बिल्कुल निश्चित कर दिया कि स्थानीय को ही टिकट मिलेगा, स्थानीय नेता ही यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। मुकाबले में आप भी हैं? हाँ, एक कार्यकर्ता हूँ, अगर मैं समर्पित भाव से अगर कांग्रेस के लिए 40 साल से लगा हूँ तो मेरा भी अधिकार है कि मैं लाइन में लगूँ या टिकट मांगूँ, लेकिन उससे पहले मेरा ये है कि जो भी कांग्रेस से आए जी उसके लिए पूरे दमखम के साथ हम काम करें और अपनी पार्टी को जिता कर भेजें।